तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। आज अपना दूसरा दिन है करंट अफेयर रिवीजन का, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिए। आपने इस क्वेश्चन को, अगर इस न्यूज को कहीं ना कहीं सुना है तो उसका राइट आंसर देने की कोशिश करिए। तो वाकई में काफी इंपॉर्टेंट है, पहला क्वेश्चन वाकई में काफी इंपॉर्टेंट है। और यह क्वेश्चन आरआरबी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आरआरबी जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, तो एज इट इज क्वेश्चन यहां पर मैं लेके आया हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है, नई दिल्ली में वर्ष 2018 के लिए कौन सा 28वें व्यास सम्मान के साथ में किन्हें कविता संग्रह जितने लोग उतने प्रेम, क्या कौन सी कविता है जितने लोग उतने प्रेम के लिए उनको सम्मान दिया गया, 12वें संकलन के लिए सम्मानित किया गया। 2018 की बात हो रही है, व्यास सम्मान किन्हें दिया गया ये पूछना चाह रहा आपसे। तो जितना जल्दी हो सके राइट आंसर दीजिए। अगर आपको इसके बारे में पता है 2018 में व्यास सम्मान किन्हें मिला था तो राइट आंसर दीजिए। जिनकी कौन सी है, जितने लोग उतने प्रेम वाली बात। जितने कौन सी कविता संग्रह कौन सी है, जितने लोग उतने प्रेम कविता संग्रह के लिए उनको यह अवार्ड दिया गया है। तो जितना जल्दी हो सके राइट आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन वाकई में इंपॉर्टेंट है, रेलवे के एग्जाम में आया हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, सारा डिटेल में बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए, देखते कितने भी। लीलाधर जगोरी किनका राइट आंसर आया है, निर्मल राहुत का। वेरी गुड। पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले का लीलाधर लिगोरी, यहां पे थर्ड ऑप्शन या सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये तो बात थी अपनी 2018 की, अब ऑलमोस्ट 2019 खत्म हो गया, तो इसमें भी व्यास सम्मान किसी को तो मिला होगा। 2019 भी खत्म हो गया ऑलमोस्ट, तो 2019 में व्यास सम्मान किन्हें मिला था उनका नाम अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 2019 में व्यास सम्मान की बात हो रही है, व्यास सम्मान की बात हो रही है तो किन्हें मिला था, जल्दी से आंसर आना चाहिए। अगर आपको पता है, आपने पढ़ा है, तो इसका राइट आंसर देने की कोशिश करिए। 2019 में व्यास सम्मान किन्हें मिला था, जल्दी से राइट आंसर देने की कोशिश करिए, जल्दी से राइट आंसर देने की कोशिश करिए। चलिए, 2019 में व्यास सम्मान किन्हीं को मिला था, नासिरा शर्मा को, ठीक है, नासिरा शर्मा को सम्मान मिला था। अब इनका नाम बता दीजिए, किस उपन्यास की वजह से, साहित्य की वजह से इनको मिला था, तो इनका सही नाम किसकी वजह से मिला था, इनकी एक कागज की नाव के लेखन के लिए उनको, नासिरा शर्मा को 2019 का साहित्य पुरस्कार दिया गया, ठीक है। दो बात इंपोर्टेंट होगी, 2018 में व्यास सम्मान पूछा गया है, तो अगर 101% एनटीपीसी के किसी न किसी, ग्रुप डी के किसी न किसी सेट में 2019 का व्यास सम्मान आपको देखने को मिलेगा, वाकई में इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो एक बात और बता देता हूं, सबसे पहले व्यास सम्मान 1991 में मिला था, ठीक है, रामविलास शर्मा को याद रख लेना, बस इतना, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन यह है 1991 में रामविलास शर्मा को व्यास सम्मान सबसे पहले मिला था, और उसके बाद 2019 में नासिरा शर्मा को कागज की नाव के लेखन के लिए, ठीक है। यहां पे पहले क्वेश्चन अपने डिटेल में देखा, अब चलिए सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर देने की कोशिश करिए। अगर आपने सेकंड क्वेश्चन के बारे में अगर सुना है, देखा है कभी, तो राइट आंसर देने की कोशिश करिए। अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2, राइट आंसर दीजिए जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी राइट आंसर देने की कोशिश करिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया। स्वीडिश किशोर, ठीक है, कौन है जलवायु कार्यकर्ता का नाम बताइए जिन्हें नॉर्डिक काउंसिल के पर्यावरण पुरस्कार 2019 के स्वीकार करने से इंकार कर दिया गया। तो जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता किशोर कौन है, जिनका नाम बताइए। तो चार ऑप्शन दिए गए, काफी फेमस है, जिनको टाइम्स ऑफ द ईयर भी चुना गया, टाइम्स ऑफ द ईयर। जिनको टाइम्स ऑफ द ईयर भी चुना गया है, तो जितना जल्दी हो सके राइट आंसर देने की कोशिश करिए। जिनको टाइम्स ऑफ द ईयर भी चुना गया, मैं बता देता हूं,
है, तो इसका राइट आंसर बताइए जितना जल्दी। ग्रेट थनबर्ग, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, ग्रेटा थनबर्ग हो जाएगा। ए ऑप्शन ग्रेटा थनबर्ग, ठीक है। ग्रेटा थनबर्ग जिन्होंने ये सम्मान लेने से मना कर दिया, जिसकी राशि करीबन 18 लाख रुपए के आसपास थी, इसके पुरस्कार में 18 लाख रुपए राशि थी, इन्होंने इसलिए मना कर दिया। इन्होंने क्या कहा कि जितने भी नेता हैं वो भाषण या पुरस्कार देने के बजाय साइंस का उपयोग करके अपने पर्यावरण को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, पर्यावरण के बचाने की कोशिश करिए। जो पैसा पुरस्कार में दिया जाता है उसके बजाय वो पर्यावरण को रक्षा में लगाना चाहिए, तो इसलिए ग्रेटा थनबर्ग ने ये पुरस्कार लेने से मना कर दिया, ठीक है। तो वेरी गुड भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज में, तो इनको टाइम्स ऑफ द ईयर के भी चुना गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट, यहां पे दोनों जगह से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे, जितना जल्दी हो सके राइट आंसर देने की कोशिश करिए और इसी रिदम में लगे रहिए, जितने राइट आंसर आए उतने ही वाकई में मजे वाली बात है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर जितना जल्दी हो सके देने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है देखते हैं। गोवा में आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI, क्या ठीक है, अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2019 के दौरान भारत के पहले आइकन ऑफ गोल्डन जुबली पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आइकन ऑफ द गोल्डन जुबली पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये भारत सरकार द्वारा चलाया गया नया पुरस्कार है, तो इससे किसे सम्मानित किया गया? तो यहां पे चार नाम दिए गए हैं, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, कमल हसन। चार ऑप्शन दिए, चारों एक्टर काफी बड़े लोग हैं, चारों काफी बड़े लोग हैं जिनको आइकन ऑफ द गोल्डन जुबली के नाम से अवार्ड दिया गया, जो कि ये पुरस्कार भारत सरकार द्वारा चालू किया गया है। तो इसका राइट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर दीजिए। जितने भी साथी देख रहे हैं, एक बार अगर मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है सेशन, तो सारे मिलके फेसबुक, व्हाट्सएप, जितने भी ग्रुप है सभी जगह एक बार शेयर कर दीजिए और सभी को बता दीजिए इंपॉर्टेंट सेशन क्लास अपनी चल रही है। जितना आप सहयोग करोगे उतना ही बेहतरीन क्लास, एक से बढ़कर एक क्लास ये मिलेगी आपको, मेरा दावा है इस चीज में। कल से बेहतरीन आज क्लास मिलेगा, कल से बेहतरीन एनर्जी आप आज मिलेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, मैं पहले ही कहा था सिलेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे, और वो क्वेश्चन जो कि एज इट इज आपको एग्जाम में कन्वर्ट होने की पूरी पूरी गुंजाइश है, जिनकी पूरी पूरी गुंजाइश है एग्जाम में आने की, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आ जाइए अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे, राइट आंसर देने की कोशिश करिए। गोवा में आयोजित अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की बात हो रही है, इसकी गोवा में आयोजित फिल्म महोत्सव के दौरान भारत के पहले आइकन ऑफ द गोल्डन जुबली पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रजनीकांत, रजनीकांत को आइकन ऑफ द गोल्डन जुबली पुरस्कार दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? 3, मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। इस एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में लगातार अपना सेशन जारी है। चलिए राइट आंसर देने की बात करिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। नंबर 4 में क्या है? उस फ्रांसीसी अभिनेता का नाम बताइए जिसे अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2019 के दौरान विदेशी कलाकार के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो यहां पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कौन से विदेशी कलाकार को दिया गया है? चार ऑप्शन दिए गए, अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रजनीकांत वाला अवार्ड अपने लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि भारत सरकार द्वारा चलाए गए पुरस्कार में से रजनीकांत को आइकन ऑफ द गोल्डन जुबली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर अगर आपको पता है तो राइट आंसर दीजिए। राकेश वर्मा जी कह रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज, बिल्कुल बिल्कुल, आपको जल्दी ही इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेगा। इसका राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का, इसाबेल हुपर्ट, हुपर्ट यहां पे ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में, ए ऑप्शन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस न्यूज को कंप्लीट करने के लिए क्वेश्चन लेके आए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिस क्वेश्चन के लिए मैं ये कह रहा हूं 100% एग्जाम में आएगा दावे के साथ में मैं कह रहा हूं, जैसे शुरुआत के 3 क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट अपने क्वेश्चन है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में, किस भारतीय शहर में गैस्ट्रोनॉमी, मतलब गैस्ट्रोनॉमी को क्या कहा जाता है? चुनने, खाना पकाने, अच्छा खाना खाने की कला,
ठीक है, के क्षेत्र में यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के सदस्य के रूप में नामित किया गया। एशिया शहर कौन सा है जहां पे खाने को सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट और सबसे लजीज या स्वादिष्ट खाना बनाया जाता है, तो बताइए, जिसको यूनेस्को ने जो सिटी की नेटवर्क मतलब एक नेटवर्क क्रिएट किया गया कि इस शहर में ये है, इस शहर में ये फेमस है, तो उस नेटवर्क के अंदर में आया है। तो खाने से रिलेटेड मतलब गेस्ट्रोनोमी की बात हो रही है। बताइए कौन सा शहर है भारत का, कोची तेलंगाना, मतलब कोची केरल का, हैदराबाद तेलंगाना का, चेन्नई तमिलनाडु का, बेंगलुरु कर्नाटक का, चार जगह के नाम दिए गए। चारों में से ऐसी कौन सी शहर है जिसपे खाना, जहां का खाना बहुत फेमस है या वहां पे खाना लोग वाकई में बहुत फेमस स्वादिष्ट बनाते हैं जो कि ओवरऑल विश्व में प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर देने की कोशिश करिए, राइट आंसर देने की जी। अशोक कुमार जी कह रहे हैं मेरा गलत हो गया, कोई ना, वो चीज आपको सीखने, देखो आपको जहां पे आपकी गलती हो रही है वो क्वेश्चन आपके सामने आया, आपको पता चल गया कि यहाँ पे मेरा गलती हो रही है। तो यही तो इस क्लास का मकसद है कि आपका जो पोर्शन वीक है सारी चीजें अपन सामने रखेंगे, जहां जहां आपकी गलती हो रही है वो चीज वीक है उस पर आप वर्क करिए, ठीक है। तो इसीलिए अपन टॉपिक वाइज करंट अफेयर रिविजन कर रहे हैं, तो सारे टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे। तो गेस्ट्रोनोमी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैदराबाद तेलंगाना, तो हैदराबाद तेलंगाना को यूनेस्को ने सिलेक्ट किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर, बी ऑप्शन, हैदराबाद का खाना वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट है, वहां पे लोग चुनने खाना पकाने अच्छा खाना बनाने की कला है वहां पे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में, इससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, तो ये न्यूज काफी है। यूनेस्को ने एक सिटी नेटवर्क स्टार्ट किया है, जैसे यहां पे खाने की बात है, यहां पे फिल्म इंडस्ट्री फेमस है, यहां पे कुछ और है, तो इसी हिसाब से एक फिल्म नेटवर्क 100 सिटी का नेटवर्क स्टार्ट किया है, उसमें हैदराबाद खाने के लिए फेमस माना गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का, उस क्षेत्र का पता लग गया ये जिसके लिए मुंबई को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के सदस्य के रूप में नामित किया गया। आप देखो अपने पहले क्या किया था, हैदराबाद को सिलेक्ट किया था, अब मुंबई सिलेक्ट हो गया उसी चीज के लिए, तो मुंबई किसके लिए हुआ है, हैदराबाद खाना खाने के लिए। मुंबई किसके लिए हुआ है, फिल्म इंडस्ट्री के लिए। वाकई में अपने देश की जो फिल्म इंडस्ट्री है सबसे बड़ी कहां पे है, मुंबई में है, तो 100 सिटी के नेटवर्क में ये हो गया मुंबई अपना कनेक्टिविटी। तो इसका राइट हो जाएगा फिल्म के लिए, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट, 6 का राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, 6 का राइट आंसर डी ऑप्शन, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे, एक से बढ़कर एक बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, 100% दावे के साथ मैं कह सकता हूं, या आपके सोते सोते समय, आपके लास्ट आज के दिन की लास्ट में आपको पूरे दिन का महत्वपूर्ण चीजें आपको याद करवा के भेजूंगा। मैंने कल जो किताबों के नाम, बुक्स के नाम याद करवाए थे, आज बोल बोल के फिर से याद कराऊंगा। मैं कह रहा हूं 7 दिन में दावे के साथ में कह रहा हूं आपको करीबन 100 किताबों के ऐसे नाम याद करा दूंगा, 100% आपके किसी न किसी एग्जाम में तो आएंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में, इटली में अंतरराष्ट्रीय स्कोर्नो सैंड नाइट उत्सव के दौरान प्रतिष्ठित तालवी गोल्डन सैंड आर्ट 2019 के लिए किसे चुना गया है, तो जल्दी बताइए। सैंड आर्ट की बात हो रही है, जो मिट्टी से कलाकृति करते हैं उसकी बात हो रही है, तो राइट आंसर दीजिए अवार्ड कौन सा, गोल्डन सैंड आर्ट 2019 के लिए यह अवार्ड के लिए किसे चुना गया है। यहां पे 4 ऑप्शन दिए गए, क्वेश्चन नंबर 7 का 4 ऑप्शन दिए गए, जितना जल्दी हो सके राइट आंसर दीजिए। सैंड आर्टिस्ट की बात हो रही है, जो मिट्टी से कलाकृति करता है, मिट्टी से मतलब अलग अलग कला बनाते हैं, जैसे किसी की फोटो बना दी या कोई डिजाइन बना दी या फिल्म जैसे चलती हुई फिल्म एज ए रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे लोग, तो सैंड आर्ट की बात हो रही है यहाँ पे। तो जितना जल्दी हो सके राइट आंसर देने की कोशिश करिए, 2019 में गोल्डन सैंड आर्ट किसे चुना गया, अपने पहला चुना था व्यासपीठ सम्मान की बात हुई थी, व्यास सम्मान की, अब यहाँ पे है सैंड आर्ट 2019 की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुदर्शन पटनायक को चुना गया है, सुदर्शन पटनायक क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन, सुदर्शन पटनायक को चुना गया सैंड आर्ट के लिए, सुदर्शन पाठ को चुना गया है, ठीक है। इन्होंने अपनी सैंड कलाकृति को, मिट्टी से जो कलाकृति थी उसको रिप्रेजेंट किया था, जिसकी वजह से इनको क्या मिला है, सैंड आर्ट अवार्ड गोल्डन सैंड आर्ट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 राइट आंसर देने की कोशिश करिए, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर देने की कोशिश करिए, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर देने की कोशिश करिए, चलिए जितना जल्दी हो सके क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर देने की कोशिश करिए।
क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर देने की कोशिश करिए, जितना जल्दी हो सके। भारतीय मूल के शोधकर्ता का नाम बताइए जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा अर्ली करियर रिसर्च ऑफ द ईयर 2019 भौतिकी जीता है। तो अपन ने कल क्या एक चीज पढ़ी थी अपन ने कि भाई रिसर्च पेपर एक साल में जितने जारी होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो सबसे ज्यादा कहां कौन से देश के जारी हुए थे, कहाँ के, चीन के। भारत का कौन सा स्थान है, यहाँ के साइंटिस्टों ने जो रिसर्च पेपर जारी किए थे उनकी संख्या में भारत का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान। मैंने सुबह ही आपको डिस्कस किया था। अब एक और क्वेश्चन है अपने रिसर्च से रिलेटेड, भारतीय मूल के शोधकर्ता का नाम बताइए अपने भारतीय मूल का है, ठीक है। तो ठीक है, ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा अर्ली करियर रिसर्च ऑफ द ईयर, अर्ली करियर और रिसर्च ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया गया। तो चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का। वाकई में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाकई में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीरज शर्मा, डॉक्टर नीरज शर्मा। इनको पीएचडी है इसलिए डॉक्टर है लगता है इनके। डॉक्टर नीरज शर्मा को अर्ली करियर ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया की, न्यू साउथ वेल्स क्या नाम है, न्यू साउथ विश्वविद्यालय, विद्यालय, ठीक है, याद रखना। इसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, इसके द्वारा न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा, अर्ली करियर रिसर्च ऑफ द ईयर, अर्ली करियर रिसर्च ऑफ द ईयर। ये भारतीय मूल के हैं, कौन है, डॉक्टर नीरज शर्मा, डॉक्टर नीरज शर्मा। इतना याद हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का एक अवार्ड हो गया, दूसरा व्यास सम्मान हो गया। सारी चीजें एक बार रिवाइज करेंगे सारी के एक के बाद एक। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर अपना 9 नंबर, 9 नंबर क्वेश्चन पे आइए। देखो वाकई में अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपने देखा होगा इस साल न्यूज में काफी रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया। जयपुर के रामबाग पैलेस राजस्थान में आयोजित पुरस्कार समारोह में पहली बार फोर फील्ड के लिए साहित्य 2019 के लिए भारत का सबसे अमीर जेसीबी पुरस्कार, जेसीबी पुरस्कार किसने जीता है, माधुरी विजय, अंजुम हसन, प्रदीप कृष्ण, शहनवाज बीज ने। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से राइट आंसर देने की कोशिश करिए, जल्दी आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माधुरी विजय। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपके नोट्स में होना चाहिए, क्योंकि अभी आज इस चीज का पीडीएफ भी मिलेगा, कल वाला नहीं मिल पाया, कोशिश करेंगे इसके साथ में दिया जाए, लेकिन आज वाले की कोशिश करेंगे इंग्लिश में पीडीएफ तो अवेलेबल करवाया जाए। हिंदी में आपकी क्लास हो रही है, जो बच्चा इंग्लिश के, जिनके प्रॉब्लम आ रही है समझ में, उनको अवेलेबल करवाया जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा माधुरी विजय। माधुरी विजय को क्या पुरस्कार दिया, जेसीबी पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 पे जल्दी आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर देख, वाकई में हर क्वेश्चन की अपने आप में एक अहमियत है, वाकई में हर एक क्वेश्चन की अहमियत है। सिंगल डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में ब्रिटिश अकादमी ऑफ द फील्ड एंड टेलीविजन अवार्ड, क्या नाम है, ब्रिटिश अकादमी ऑफ द फील्ड एंड टेलीविजन अवार्ड 2019 जीतने वाले डॉक्यूमेंट्री का नाम बताइए, जीतने वाली डॉक्यूमेंट्री का नाम बताइए। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा, ब्रिटिश ऑफ द फील्ड एंड टेलीविजन अवार्ड 2019 जीतने वाली डॉक्यूमेंट्री का नाम बताइए। तो यहाँ पे पूर्व बंगाल, क्या नाम है, पूर्व बंगाल सालगांवकर एफसी, बेंगलुरु रियल कश्मीर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रियल कश्मीर एफसी। एफसी का मतलब है यहाँ पे एफसी का मतलब फुटबॉल क्लब। तो रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब की बात है, डी ऑप्शन। एफसी का मतलब है यहाँ पे फुटबॉल क्लब की बात हो रही है, ठीक है। एफसी का मतलब यहाँ पे रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब की बात हो रही है, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे।
क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या पूछा है, कोची केरल में आयोजित मिस एशिया ग्लोबल टाइटल 2019 का पांचवा संस्करण किसने जीता था। कोची में आयोजित कौन सा मिस एशिया ग्लोबल टाइटल 2019 किसने जीता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 वाकई में अच्छा क्वेश्चन है, कोची में हुआ है इसलिए अपने देश का इवेंट है, ठीक है, तो इसलिए इवेंट कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर देने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया, अपना मिस एशिया ग्लोबल अवार्ड किसको दिया गया है। तो चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से राइट आंसर दीजिए, देखते हैं किनका आता है, देखते हैं कौन से भाई का राइट आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर एक कौन सा मिस एशिया ग्लोबल टाइटल का पांचवा संस्करण था, ये क्वेश्चन में दिया गया। एक बात कोची में आयोजित हुआ, दो बात सीखी अपन ने, अब तीसरा अपन नाम सीख रहे हैं कि भाई किनको दिया गया था, किनको दिया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन, सारा दमन क्या नाम हो जाएगा, दमन जनोविक, सारा दमन जनोविक हो जाएगा इसका राइट आंसर, जिनको मिस एशिया ग्लोबल टाइटल से सम्मानित किया गया। कोची में हुआ, पांचवा संस्करण है, पहली बात मिस इंडिया ग्लोबल टाइटल का किसको मिला, सारा दमन जनोविक को, सारा दमन जनोविक को मिला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन हो गए एक क्वेश्चन से, तो ऐसे अपन बेहतरीन क्वेश्चन करते जाएंगे। जो मेरे साथी ने अभी तक शेयर नहीं किया प्लीज एक बार, जितने भी आपके पास में फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप है सभी जगह शेयर कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, आपका अपना परिवार है, यहां पे आपकी हर एक मदद को की जाएगी जो इससे आपके सपने साकार हो सके, ठीक है। अब आज क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, तो पहले भारतीय का नाम बताइए, मतलब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फर्स्ट भारतीय है, पहले भारतीय का नाम बताइए जिसे 6 नवंबर 2019 को टोक्यो जापान में कुल गुणवत्ता प्रबंधन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के क्षेत्र में डिसमिनेशन एंड प्रमोशन ओवरसीज के लिए प्रतिष्ठित सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में पहला भारतीय है जिनको टोक्यो में TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM मतलब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में डिसिमिनेशन एंड प्रमोशन ओवरसीज के लिए प्रतिष्ठित सेवा पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है भाई, 12 क्वेश्चन नंबर अपना इंपॉर्टेंट इसलिए होता है, यहाँ पे किसको मिला है, वेणु श्रीनिवासन को मिला है। अब वेणु श्रीनिवासन कौन है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये TVS के क्या है, TVS मोटर्स की बात हो रही है, TVS मोटर्स के चेयरमैन है, ठीक है, चेयरमैन है, TVS मोटर के चेयरमैन है वेणु श्रीनिवासन की बात हो रही है। वेणु श्रीनिवासन को टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQ अवार्ड टोक्यो मिला है, TQ अवार्ड याद रखना, TQM के लिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए डिसमिनेशन एंड प्रमोशन ओवरसीज के लिए प्रतिष्ठित सेवा पुरस्कार मिला गया है, ठीक है, टोक्यो मिला है, वेणुगोपाल किसके हैं, TVS के हैं चेयरमैन, याद रखना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 13 की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन नंबर 13 यहां पे सी हो गया। क्वेश्चन 12 में 13 में क्या पूछा गया है, प्रेस काउंसिल ऑफ द इंडिया की बात हो रही है। अपन ने कल पढ़ा था भाई दिन दिवस में, क्या पढ़ा था, प्रेस दिवस किस दिन मनाया जाता है, अगर आपको पता है तो आपका राइट आंसर आएगा, प्रेस दिवस, प्रेस दिवस कब मनाया जाता है तो जल्दी बताइए अगर आपको पता है। दूसरा इसमें क्या है, प्रेस काउंसिल ऑफ द इंडिया द्वारा प्रकाशित पत्रकारिता के उत्कृष्ट योगदान, मतलब पत्रकारिता में बेहतरीन योगदान जिन्होंने दिया है उनके लिए राजा राम मोहन राय पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार, राजा राम मोहन पुरस्कार दिया गया है, किसको दिया गया है जल्दी बताइए। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, अनु अब्राहम, संजय सैनी, शिव स्वरूप अवस्थी और गुलाब कोठारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, गुलाब कोठारी, जो कि राजस्थान पत्रिका के संपादक है, राजस्थान पत्रिका के
राजस्थान पत्रिका के संपादक है, ठीक है, प्रेस दिवस के दिन दिया जाता है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी उसी दिन प्रेस दिवस मनाया जाता है, तो ये चीज आप मान के चलिए। और प्रेस दिवस कब होता है? 16 नवंबर को, 16 नवंबर की बात है, ठीक है, 16 नवंबर को प्रेस दिवस मनाया जाता है, पहली बात, ठीक है। इसी दिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। राजा राम मोहन पुरस्कार दिया गया किनको? गुलाब कोठारी को, जो कि राजस्थान पत्रिका के संपादक है। कितनी बातें अपने इसमें देखी है, सारी बातें याद रखना। राजस्थान पत्रिका के गुलाब कोठारी जी को राजा राम मोहन पुरस्कार मिला किसके द्वारा? भारतीय प्रेस काउंसिल ऑफ द इंडिया, प्रेस काउंसिल ऑफ द इंडिया के द्वारा। और प्रेस दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 नवंबर को, क्योंकि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की उस दिन स्थापना हुई थी। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई मेरे जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या पूछा गया अपन से। UAE संयुक्त अरब अमीरात सरकार समर्पित 2019 एशिया बिजनेस लीडरशिप फोरम की बात हो रही है, ग्लोबल एशियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का बात है, UAE ने ग्लोबल एशियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात की बात हो रही है। दिलीप संघावी, कुमार मंगलम बिरला, गौतम अडानी। तो यहाँ पे क्या है, एशिया बिजनेस लीडरशिप फोरम, मतलब ABLF का क्या है, एशिया बिजनेस लीडरशिप, एफ का मतलब फोरम, ठीक है, ये बात सबको समझ में आई। अब बताइए किसको दिया है? तो कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है, कुमार मंगलम बिरला को यह अवार्ड दिया गया है। किसका? बिरला ग्रुप के जो मालिक हैं, बिरला ग्रुप के जो मालिक हैं उनको कौन सा एशिया बिजनेस फोरम, एशिया बिजनेस लीडरशिप फोरम अवार्ड दिया गया। वाकई में इंपॉर्टेंट है, वाकई में इंपॉर्टेंट है। इससे पहले TVS के आगे थे, इससे पहले एक पत्रकारिता में राजस्थान पत्रिका का नाम आ गया था। तो सारी चीजें अपन जोड़ के चलना, सारी चीजें जोड़ के चलना, ऐसे नहीं हो कि जो क्वेश्चन हो गया वो एक खत्म हो गया। हाँ, अपन ने कौन कौन से अवार्ड पढ़े, पहला पत्रिका वाला ऐसे याद रखना, पहला पत्रिका, दूसरा TVS वाला, दूसरा TVS वाला, तीसरा बिड़ला वाला, बिड़ला वाला, तीनों अवार्ड ये एक तरफ से याद रखना, जिनके बड़े बड़े ग्रुप हैं, है ना, पत्रिका, TVS, बिड़ला, तीनों चीजें आप याद रखना, बाकी मैं आपको याद करवाता जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे राइट आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 का भी राइट आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या है कि अपने विश्व बेंचमार्क अध्ययन 2019-20 में किए गए आंकलन के अनुसार किस भारतीय मिशन को UBI ग्लोबल द्वारा विश्व के शीर्ष सार्वजनिक व्यापार त्वरक के रूप में मान्यता दी गई है? तो बताइए किसको? UBI द्वारा ग्लोबल विश्व के शीर्ष सार्वजनिक व्यापार त्वरक के रूप में मान्यता दी गई है। तो मेगा पेंशन मिशन को, कौशल भारत मिशन को, मेक इन इंडिया को और केरल स्टार्टअप मिशन को। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वाकई में इंपॉर्टेंट बात है ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, केरल स्टार्टअप मिशन को। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का डी ऑप्शन, 15 का डी ऑप्शन हो जाएगा, केरल स्टार्टअप मिशन योजना, केरल सरकार की ओर से है, केरल सरकार की ओर से है, ठीक है, केरल सरकार, जिसमें केरल के जो प्रोडक्ट हैं उनको एक पर्टिकुलर बेंचमार्क दिया गया है, एक पर्टिकुलर टैग दिया गया, उनका नाम दिया गया और उनको इंटरनेशनल क्या किया गया इंटरनेशनल, उनकी प्रोडक्टिविटी जितना शेयर लोगों को बेचा जाने की प्रोसेस किए कर रहे हैं, जिससे कि केरल का इतना जो मार्केट है एकाएक इतना तेजी से बढ़ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, सार्वजनिक व्यापार त्वरक के रूप में मान्यता दी गई UBI ग्लोबल द्वारा विश्व के शीर्ष की बात हो रही है। तो यहाँ पे हो जाएगा केरल स्टार्टअप मिशन, जो कि केरल सरकार का है ये, ठीक है। अब आज ये क्वेश्चन नंबर 16 हुआ, अब आज ये क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, जल्दी से राइट आंसर दीजिए। पांडुलिपि के बारे में क्वेश्चन नंबर 16, और बात करते हैं पूरी अपनी पांडुलिपि निषिद्धों के लिए वर्ष 2019 में जेमकन यंग लिटरेचर अवार्ड किसने जीता है? जेमकन यंग लिटरेचर अवार्ड किसने जीता है? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर दीजिए, किसने जीता है जेमकन यंग लिटरेचर अवार्ड? अब तक तो याद अजन जी, अब तक तो राइट आंसर आ जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 16 का, अभिषेक सरकार, सी ऑप्शन, अभिषेक सरकार, जिन्होंने ढाका वही बांग्लादेश लिट फेस्ट की बात हो रही है,
देखो दोनों का लिटरेचर, लिट का मतलब लिटरेचर, फेस्ट का मतलब फेस्टिवल। ढाका में एक क्या हुआ था, ढाका लिट फेस्ट हुआ था, जिसमें इन्होंने अपनी पांडुलिपि निषिद्धों के लिए जेमकन यंग लिटरेचर अवार्ड जीता है। जेमकन यंग लिटरेचर अवार्ड जीता किन्होंने, भारत अभिषेक सरकार ने, अभिषेक सरकार ने ये जीता है। बांग्लादेश में हुआ था, बांग्लादेश के ढाका में ये अवार्ड हुआ था, अवार्ड दिया गया उनको कहां पे, बांग्लादेश के ढाका में उनको ये अवार्ड दिया गया है। अब आजिए क्वेश्चन नंबर 17 पे, जितने भी साथी देख रहे हैं एक बार तहे दिल से शेयर कर दीजिए ताकि अपने और साथी जुड़े, ताकि और साथी जुड़े। कम से कम आज का टारगेट, कम से कम 100 तो लाइव लेके ही जाना होगा आपको। अगर आप बेहतरीन, आपने सुबह की क्लास नहीं देखी होगी तो देखिएगा उसको भी। अपन ने एक नया स्टार्ट किया है जिसमें अपन स्टैटिक जीके स्टेट बाई स्टेट अपन करने वाले हैं। अब अजय क्वेश्चन नंबर 17 में बहुत कुछ देखने को मिलेगा इस क्लास में आपको, वाकई में सारी चीजें याद हो जाएगी आपके। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, क्या पूछा गया, 8 नवंबर 2019 को मॉरिशस के प्रधानमंत्री के रूप में किन्हें चुना गया है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉरिशस के प्रधानमंत्री किन्हें चुना गया है, तो यह पूछा गया है 8 नवंबर 2019 को। यहां पे क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन परवीन जुगनूथ हो जाएगा, परवीन जुगनूथ हो जाएगा यहां पे, थर्ड ऑप्शन परवीन जुगनूथ, तो सी ऑप्शन यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते जो कि आज का अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, क्वेश्चन नंबर 18 आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो देवेंद्र फडणवीस ने 8 नवंबर 2019 को अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, तो कहां के, महाराष्ट्र के, वहां के अभी कौन सीएम है, उद्धव ठाकरे, और वहां के राज्यपाल कौन है, सबको पता होना चाहिए, भगत सिंह कोश्यार। चलिए, उन्होंने क्या है कि इनका सरकार फ्लोर टेस्ट में फेल होने की वजह से इनको, देवेंद्र जी को क्या करना पड़ा, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, मुख्यमंत्री पद से इनको इस्तीफा देना पड़ा। इसलिए आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, याद रखना यहाँ के नए सीएम, नए गवर्नर सबका नाम ध्यान में रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार क्या है कि बातों बातों में हल्की चीजें भी गलत हो जाती है, कौन और कॉन्फिडेंस में कई बार क्या है कि चीजें गलत हो जाती हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात है, किस देश में अंजनी कुमार को 7 नवंबर 2019 को भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। देखो जितना जल्दी हो सके राइट आंसर दीजिए। अशोक यादव जी कह रहे हैं माई ड्रीम सिटी बट कभी नहीं गए, जी बिल्कुल बिल्कुल, कभी ना कभी मौका मिलेगा। जितने भी साथी हैं, अर्चना, अशोक, निरंजन, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, विवेक मधुवल, अशोक यादव, तो आप सभी का बहुत तहे दिल से स्वागत है। और पढ़िए, वाकई में आपको इतना प्राउड फील होगा, मैं कह रहा हूँ 7 दिन आप क्लास लीजिए, जितना मैं याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ उतना याद करने की कोशिश करिए। जो जो क्वेश्चन मैं आपके आंखों के सामने से निकालना चाहता हूँ एक बार आंख देखिए उन क्वेश्चनों को, वाकई में आपको करंट अफेयर में जितना कॉन्फिडेंस आज तक सब कुछ पढ़ के नहीं आया उससे ज्यादा तो मेरा रिविजन करके ही आपको आएगा। तो किस देश के अंजनी कुमार को, किस देश में अंजनी कुमार को 7 नवंबर 2019 को भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहां पे क्या पूछा गया है, तो यहां पे बताइए राजदूत किया गया, तो माली गणराज्य का राजदूत नियुक्त किया गया, किसको, अंजनी कुमार को। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार अपने नोट्स में होना चाहिए, बातों बातों में कई बार कई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो याद होना चाहिए ये भी कई बार, तो इसको भी अपन 5-6 बार देखते रखेंगे। माली गणराज्य का अंजनी कुमार को क्या किया, नियुक्त किया गया, राजदूत नियुक्त किया गया। अब आजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब आजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर देने की कोशिश करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर देने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में योगदान, देखो अच्छी बात है ये, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2019 के लिए जॉर्ज स्कॉलर आजीवन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए। वन्य जीव संरक्षण की बात हो रही है, मतलब जो जीवों के संरक्षण के लिए बात हो रही है, 2019 के लिए जॉर्ज स्कॉलर आजीवन पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए, पहले व्यक्ति कौन बन गए। तो जितना जल्दी हो सके आंसर देने की कोशिश करिए, जितना जल्दी हो सके क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर दीजिए, जितना जल्दी हो सके राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, उल्लास कारंत, उल्लास कारंत को कौन सा अवार्ड मिला है, जॉर्ज स्कॉलर अवार्ड मिला है। जॉर्ज स्कॉलर कौन थे, ये जैव वैज्ञानिक थे,
जैव वैज्ञानिक मान लीजिए, जैव वैज्ञानिक था जिनके याद में जॉर्ज स्कॉलर पुरस्कार दिया जाता है। कहाँ पे, कौन सी फील्ड में, जिनका वन्य जीव संरक्षण में बेहतरीन योगदान होता है। किसमें, जिनका वन्य जीव संरक्षण में सबसे बेहतरीन योगदान होता है उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, जॉर्ज स्कॉलर कौन थे, जैव वैज्ञानिक थे। ठीक है, और जैव वैज्ञानिक या जीव संरक्षणवादी थे, इनकी याद में ये पुरस्कार स्टार्ट किया गया। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन अपने 20 क्वेश्चन याद कर, अभी देखो अब 20 अच्छे अच्छे क्वेश्चन करे हैं। ठीक है, जितना भी है सारे एक से बढ़कर एक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले एग्जाम में आपको हूबहू कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, वाकई में आपको कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का राइट आंसर दीजिए, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया है, सुरंगा बावड़ी को 2020 के लिए विश्व स्मारक वो सूची के रूप में चुना गया है। इसमें सुरंगा बावड़ी 2020 के लिए विश्व स्मारक वो सूची के रूप में चुना गया है। किस शहर में स्थित है सुरंगा बावड़ी, कौन से शहर में स्थित है, आपसे यह पूछना चाह रहे हैं। तो जितना जल्दी हो सके राइट आंसर दीजिए, आपसे क्या पूछ रहा है, सुरंगा बावड़ी के बारे में बात हो रही है। तो जितना जल्दी हो सके राइट आंसर दीजिए। चलिए जितना जल्दी हो सके राइट आंसर दीजिए, सुरंगा बावड़ी के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे सुरंगा बावड़ी की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विजयपुर कर्नाटक की बात है, जहाँ पे सुरंगा बावड़ी 2020 है, 20 जो कि विश्व स्मारक वो सूची में उसको शामिल किया गया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विजयपुरा कर्नाटक, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 का डी ऑप्शन हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। चौथा ब्रिक्स यंग साइंटिस्ट फोरम की बात हो रही है। तो 2019 कहाँ आयोजित किया गया, फोर्थ ब्रिक्स यंग साइंटिस्ट फोरम 2019 कहाँ आयोजित किया गया। जितना जल्दी हो सके राइट आंसर दीजिए। कहाँ आयोजित किया गया, यूनाइटेड स्टेट, ब्राजील, चीन, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्राजील थर्ड क्वेश्चन नंबर 22 का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा। तो इसका जो साइबर स्पेस, इसकी थीम देखिएगा, साइबर स्पेस याद कर लेना, साइबर स्पेस। साइबर स्पेस और अर्थव्यवस्था, ठीक है, इसकी थीम थी साइबर स्पेस और अर्थव्यवस्था, इसकी थीम थी कौन सी, अपन जो ये ब्रिक्स यंग साइंटिस्ट फोरम की बात हो रही है, जिसकी क्या थीम थी साइबर स्पेस और जैव अर्थव्यवस्था की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इसका थीम सबसे इंपॉर्टेंट रखना, अगर आप TCS की कोई भी एग्जाम में देने जा रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट दिवस की जगह वो क्या करते हैं, थीम पूछते हैं, भाई इस फंक्शन का मतलब क्या था, ये जानने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं TCS वाले। तो इसलिए आपको इससे ब्रिक्स यंग साइंटिस्ट फोरम की बात है, तो साइबर स्पेस और जैव अर्थव्यवस्था यहाँ की क्या थी, थीम थी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर दीजिए। जितने भी साथी इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, तो एक बार अपने सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके।
ताकि आने वाले वीडियो की आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। जितने भी साथी हैं सभी एक बार शेयर कर दीजिए, दबा के एक बार शेयर कर दीजिए। आपके जोश में कभी कमी नहीं आनी चाहिए, जोश में कमी नहीं। अभी तो क्लास का दूसरा दिन है आज, ठीक है, बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी तो। कैसे आप अपने ढीले ढाले हो सकते हो? राइट आंसर दीजिए, नहीं आता तो सीखने की कोशिश करिए। मैंने पहले भी कहा था, केबी बॉक्स की तरह बनाइए, केबी बॉक्स में कुछ ना कुछ डेली कुछ ना कुछ लेके जाइए, उसमें उसके बारे में रिसर्च करिए, उसके बारे में जानने की कोशिश करिए, तभी जाके हो पाएगा। मैं यहां पे 10 से 12 कोशिश करता हूं, मैं हर एक टॉपिक में 4 से 5 क्वेश्चन लेके आऊं, लेकिन उसके बाद भी कौन से वो खत्म हो जाते हैं भाई, 5 के 6 के बाद छठा क्वेश्चन भी बना सकता है, वो आपकी सोच पे डिपेंड करता है। इसलिए जीएस में हमेशा क्रिएटिव बने रहिए। जितना ज्यादा सोचोगे ये हो सकता है क्या, ये हो सकता है कि ये किसका था, ये किसको मिला, जब तक ये दिमाग में नहीं चलेगा जीएस को याद नहीं कर सकते आप, ठीक है। आप लगे रहिए, मैं हम आपके साथ में हरदम कोशिश करेंगे, आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लेके आएंगे, ठीक है। कमी नहीं आनी चाहिए जोश में, जोश में कमी नहीं आनी चाहिए। अब आज एक क्वेश्चन नंबर 23 के, भारतीय विद्वान का नाम बताइए जिसने छोटे और न्यूनतम ग्रामीण डेयरी किसानों के लिए सस्ती घरेलू विकसित दूध दरवे का मानक इकाई का आविष्कार करने के लिए ब्रिक्स यंग इनोवेटिव पुरस्कार जीता है। कौन सा पुरस्कार? ब्रिक्स यंग इनोवेटिव पुरस्कार जीता है। तो जितना जल्दी हो सके, अभी अपने क्या देखा था, ब्रिक्स इनोवेटिव फोरम की थीम देखी थी, ठीक है, और कहां पे हुआ था, ब्राजील में हुआ था, और किनको मिला है उनका नाम की बात अब आ गई। देखो जितना भी है इवेंट के बारे में आपको सब कुछ पूरा पॉइंट टू द पॉइंट आपको याद हो जाएगा। देखो यहाँ पे अभी भी लिखा है साइबर स्पेस एंड जैव अर्थव्यवस्था यहाँ पे था, और इसमें जिनको अवार्ड मिला उन्होंने क्या किया है, किसानों के लिए जो दूध की मात्रा की इकाई वाले की एक खोज की है, आविष्कार किया है, जिससे उनको ब्रिक्स यंग इनोवेटिव आविष्कार मिला है। तो नाम बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन रवि प्रकाश को यह अवार्ड मिला गया है। थर्ड ऑप्शन 23 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 23 का राइट ऑप्शन सी ऑप्शन। अब आ जाइए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। अपन ने सारा ब्रिक्स इनोवेटिव यंग अवार्ड को अपने अच्छे से पढ़ा है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एम्स्टर्डम नीदरलैंड में टेब एक्सपो 2019 इवेंट में मोस्ट इंप्रेसिव पब्लिक सर्विस इनिशिएटिव श्रेणी 2019 के लिए 2019 गोल्डन लीफ अवार्ड से किसे, कौन से संगठन को सम्मानित किया गया, गोल्डन लीफ अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया, ये पूछना आपसे चाह रहा है। तो जितना जल्दी हो सके, अगर आपको पता है, जिस भी मेरे भाई बंधु को, जिस भी मेरे साथी को पता है, तो राइट आंसर देने की कोशिश करिए। जितना आपको पता है उतना राइट आंसर देने की कोशिश करिए। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया, भारत का तंबाकू बोर्ड, टी बोर्ड ऑफ इंडिया, मसाला बोर्ड ऑफ इंडिया, इतना समझ में आ गया कि एक बॉडी है जिसको यह अवार्ड मिला गया है, ठीक है। कौन सा इंप्रेसिव पब्लिक सर्विस इनिशिएटिव श्रेणी 2019 के लिए गोल्डन लीफ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, भारत का तंबाकू बोर्ड को यह अवार्ड दिया गया है, यह अवार्ड तंबाकू बोर्ड को दिया गया है, ठीक है। तंबाकू बोर्ड को बात आती है तो तंबाकू बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, सुनीता अध्यक्ष हैं, याद रखिए, नाम याद रखिए, भारतीय तंबाकू बोर्ड की बात हो जाएगी, तंबाकू बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, देख लीजिए, भारतीय सुनीता, ठीक है, जिनको कौन सा अवार्ड में दिया गया है, गोल्डन लीफ अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिन्होंने क्या किया, पब्लिक सर्विस इंटर्नशिप में इनिशिएटिव श्रेणी में अवार्ड आता है ये, ठीक है। इतना हो गया, अब आज क्वेश्चन नंबर 25 पे, याद रखना इसमें दो चीजें, भारतीय तंबाकू बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, सुनीता, ठीक है, और उनको अवार्ड दिया गया इस बार इस बोर्ड को, क्योंकि इन्होंने पब्लिक के क्षेत्र में जितना जो तंबाकू की श्रेणी है, एक पर्टिकुलर श्रेणी है जिसकी खेती में बढ़ावा दिया गया है, हरी तंबाकू को खेती में बढ़ावा के लिए वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
अपना 25 अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, जो उसमें इतना जल्दी आप में कमी कैसे आ सकती है। अभी तो अपना इम्तिहान की डेट भी नहीं आई है, अभी तो अपना एडमिट कार्ड भी नहीं आई है, तो अपना कैसी हिम्मत हार सकते हो। आज तो अपना पूरा जोश होना चाहिए, जब तक अपना पेपर देख के सेंटर से बाहर नहीं आते तब तक जोश में कमी नहीं दिखनी चाहिए। अगर आप अपनी तरफ से कमी दिखा रहे हो भाई, इस उम्र में अगर आपके जोश में कमी होगी ना तो बाद में क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर दीजिए आपकी स्क्रीन पे। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, दुबई यूएस संयुक्त अरब अमीरात की बात है, दुबई पुलिस अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर कार्यक्रम के दौरान डायल 112, मतलब कौन सा है, डायल करें 112 सेवा के लिए आपातकालीन प्रक्रिया श्रेणी में किस राज्य की पुलिस विभाग को तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कौन से स्टेट की पुलिस को यह सम्मान दिया गया है, कौन से स्टेट की पुलिस को यह सम्मान दिया गया है, तो यहां पे हो जाएगा डायल करें 112 नंबर, यूपी सरकार यूपी पुलिस की बात हो रही है यहां पे। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश पुलिस का। उत्तर प्रदेश पुलिस को यह अवार्ड दिया गया है कहां पे, दुबई यूएई में अंतरराष्ट्रीय पुलिस अवार्ड है, अंतरराष्ट्रीय पुलिस कॉल सेंटर कार्यक्रम में, अंतरराष्ट्रीय पुलिस कॉल सेंटर में अवार्ड दिया गया है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 की बात हो रही है, भारतीय पेशेवर धावक का नाम बताइए। अब आगे अपन किस पे, अपन आगे भारतीय पेशेवर धावक का नाम बताइए जो टाइम्स 100 अगली सूची में शामिल किया गया, टाइम्स 100 अगली सूची में, मतलब जो टाइम्स मैगजीन है उसके 100 मतलब 100 पावरफुल लोगों की सूची में उनको शामिल किया गया है, 100 पावरफुल लोगों की सूची में उनको शामिल किया गया है। तो जितना जल्दी हो सके राइट आंसर देने की कोशिश करिए, जितना जल्दी हो सके राइट आंसर देने की कोशिश करिए। जितना जल्दी हो सके राइट आंसर देने की कोशिश करिए। तो टाइम्स 100 की सूची में सबसे पावरफुल लोगों की सूची में है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, दूती चंद को भारतीय पेशेवर धावक कहां पे, टाइम्स 100 की सूची में शामिल किया गया। याद रखना इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, इससे पहले टाइम्स ऑफ द ईयर किन्हें चुना गया था, ग्रेटा थनबर्ग को, ठीक है, जो कि पर्यावरण से रिलेटेड उनको अवार्ड दिया जा रहा था, कितनी इनका उनकी वो था अवार्ड की, 18 लाख रुपए था, वो अवार्ड लेने से मना कर दिया था, ठीक है, ग्रेटा थनबर्ग ने, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 27 पे, जितने भी साथी देख रहे हैं एक बार सभी शेयर कर दीजिए, वेरी गुड भाई। दूती चंद ओडिशा, वेरी गुड, वाकई में ये होती है बात, अगर इतना बेहतरीन आंसर दोगे तो आपका सिलेक्शन कोई भी माइक कलाली रोक नहीं पाएगा, कोई भी आपका सिलेक्शन रोक नहीं पाएगा, 100% इस साल आप सिलेक्ट होके ही रहोगे, 101% दावे के साथ में कह रहा हूं आप सिलेक्शन होने। अब आ जाइए बार्सिलोना स्पेन में आयोजित 7वें एशियाई फिल्म महोत्सव बार्सिलोना, कौन सा महोत्सव है, 7वें कौन सा एशियाई फिल्म महोत्सव बार्सिलोना में 2019 में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पटकथा और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्शन के लिए दो पुरस्कार जीते, कौन सी फिल्म है जल्दी बताइए। बार्सिलोना में जो भी एशिया फिल्म महोत्सव हुआ उसमें कौन सी फिल्म की पटकथा को ये पुरस्कार दिया गया है, यहां पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्या हो जाएगा, भोसले यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ये किसकी है, मनोज वाजपेयी इसमें हीरो है, ठीक है। भोसले फिल्म का नाम है जिसको कहां पे, बार्सिलोना एशियाई फिल्म महोत्सव, वो बार्सिलोना 2019 के लिए अवार्ड मिला है, इतना बात याद हो गया, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, अभी तो अपना स्पोर्ट्स फील्ड बाकी है जिसमें आपको बहुत वाकई में बेहतरीन मजा आने वाला है आपको। क्वेश्चन नंबर अभी है 29, अभी बहुत टाइम है, अभी अपने स्पोर्ट्स और करेंगे, अभी जैसे मैंने उसके बाद में जो कल याद करवाया था वो भी, चाहे बच्चा एक भी ही देखे मैं उस एक को भी करवाऊंगा, क्योंकि हमें जितने भी बच्चे हैं उनको 100% सिलेक्शन चाहिए, चाहे 10 बच्चे देखें, चाहे 100 देखें, चाहे 200 देखें, हमें हर एक बच्चा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक स्टूडेंट उसका सिलेक्शन करवा के ही रहेंगे, जो चाहे कितने भी पढ़े, लास्ट एक बच्चा जब तक पढ़ेगा तब तक पढ़ाएंगे, रुकेंगे नहीं हम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 की बात है करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 28 भाई सच्चे दिल से लगे, ठीक है, वो लगे इस
मेहनत से काम करेंगे, आप भी विश्वास करिए, एक बार 7 दिन में आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपको बहुत कुछ नई चीजें सीखने को मिलेगी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 28 पे। तो इसलिए कह रहे हैं पढ़िए पढ़िए पढ़िए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, 16 नवंबर 2019 को किस शहर को ग्रीन टी व्हाइट टी को भौगोलिक जीआई टैग, कौन सी जगह की, कौन सी शहर की ग्रीन टी और व्हाइट टी को भौगोलिक जीआई टैग दिया गया है। वाकई में ये क्वेश्चन का राइट आंसर आना चाहिए, ये तो काफी फेमस और सबसे बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये जीआई टैग, जहां की ग्रीन टी और व्हाइट टी दोनों को जीआई टैग मिला है। क्वेश्चन नंबर 28 का दार्जिलिंग, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। कुछ बच्चे का तो ये भी आंसर आ रहा है 2004-05 में जीआई टेक स्टार्ट हुआ है, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वाकई में बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दार्जिलिंग ए ऑप्शन। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अभी तो अपना स्पोर्ट्स सेक्शन बाकी है। अरे मेरे भाई, अभी तो अपना स्पोर्ट्स सेक्शन बाकी है, सारा करेंगे, जब तक एक बच्चा पढ़ेगा उसको पढ़ाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वाकई में बेहतरीन क्वेश्चन है, ढाका बांग्लादेश में भारतीय संस्कृति संबंधित संबंध परिषद की प्रतिष्ठित पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो जितने भी अवार्ड है सारे इंपोर्टेंट है भाई, सारे अवार्ड है। तो ढाका देश में भारतीय संस्कृति संबंध परिषद के प्रतिष्ठित पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर आ जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेजवाना चौधरी बन्ना को क्या दिया गया, बांग्लादेश में भारतीय संस्कृति संबंधित परिषद का अवार्ड दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेजवानी चौधरी बन्ना, ठीक है। तो यहां पे फोर्थ ऑप्शन बनना यहां पे हो जाएगा, रेजवानी चौधरी बनिया को यह अवार्ड दिया गया है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 30 पे, क्वेश्चन देखिए खटाक से, जितना टाइम आप अगर जीएस में बचाओगे, जितना फास्ट आंसर दोगे उतना ही सिलेक्शन के पास में जाओगे, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में टाइम लगेगा मेरे भाई, उनमें कैलकुलेशन होती है, आपका गलती नहीं है उसमें। तो सेविंग टाइम कौन सा था, जीएस होता है। तो अपना अपन जल्दी ही एक सेशन लेके आने वाले हैं, 60 मिनट 100 क्वेश्चन जीएस के फटाफट से करेंगे, ताकि आपकी स्पीड भी तो बढ़ानी है भैया मेन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जितना जल्दी हो सके दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा गया अपने से, 12वीं शहर गतिशील भारत सम्मेलन और एक्सपो 2019 कहां आयोजित किया गया है। तो क्या पूछा, 12वां शहरी गतिशील भारत सम्मेलन एक्सपो 2019 कहां आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात हो रही है, कहां पे हुआ था, लखनऊ उत्तर प्रदेश। इसका क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ उत्तर प्रदेश में कौन सा हुआ था, 12वां शहरी गतिशील भारत लखनऊ में हुआ था 2019, लखनऊ में हुआ था। अपन करते हैं अपने मिशन को आगे बढ़ाते हैं, डेली करीबन रात को सोने से पहले 60 से 70 क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ उत्तर प्रदेश में शहरी गतिशील भारत सम्मेलन आयोजित किया गया, ठीक है, एक्सपो आयोजित किया गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 31 पे, अभी तो 40 तक अपने क्वेश्चन यही है सारे, जितने भी अवार्ड्स वाले हैं, ठीक है, उसके बाद अपन स्पोर्ट्स पे जाएंगे, खेल पे जाएंगे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 31, 12वीं शहरी मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस और एक्सपो 2019 के दौरान किसे स्थायी और व्यवहार्य शहरी परिवर्तन के लिए क्या है, ग्रीन मेट्रो, एक मेट्रो रेल परियोजना को 2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक ऐसा मेट्रो है जिसको 2 पुरस्कार दिए गए हैं, तो वह सबसे बड़ी मेट्रो कौन सी है, डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, ठीक है, रेल कॉरपोरेशन, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को 2 पुरस्कार दिए गए हैं, ठीक है, दिल्ली मेट्रो परियोजना, एक मेट्रो रेल परियोजना, ठीक है, इसको 2 पुरस्कार दिए गए, सबको ध्यान में रहना चाहिए। लास्ट माइल कनेक्टिविटी, पहला है लास्ट माइल कनेक्टिविटी, याद रखना हो तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, ये अवार्ड एक तो ये दिया गया है, दूसरा अवार्ड कौन सा दिया गया है, दूसरा अवार्ड ग्रीन मेट्रो परियोजना
ग्रीन मेट्रो परियोजना हो गया, ठीक है, ये दो बातें हो गई, सबको याद होना चाहिए। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 32 का आपकी स्क्रीन पे है 32 नंबर क्वेश्चन, और राइट आंसर दीजिए, शांति, निशस्त्रीकरण और विकास 2019 पुरस्कार के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। भाई देखो, इंदिरा गांधी पुरस्कार की बात हो रही है, इंदिरा गांधी पुरस्कार की बात हो रही है, तो जल्दी आंसर दीजिए, क्या है? शांति, निशस्त्रीकरण और विकास 2019 पुरस्कार के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो जितना जल्दी हो सके क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 30। उसके बाद अपन अपना जो कल की किताबें, भाई वो किताबें इतना इंपॉर्टेंट, बड़े बड़े नाम है, अगर उनको डेली नहीं सुनेंगे अपन, बार बार रिपीट नहीं करेंगे, तो वो चीज याद नहीं होने वाली। अगर यही तो बात है, मैं बार बार आपको ये चीजें सुनाऊंगा, आप सुनते जाना, वो चीजें आपके याद होगी, ठीक है। शांति, निशस्त्रीकरण और विकास 2019 पुरस्कार के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किन्हें दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का क्या हो जाएगा, डेविड फ्रेडरिक एटनबरो को, डेविड फ्रेडरिक एटनबरो को कौन सा इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया है। यहां पे क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। जितना जल्दी हो सके सही करने की कोशिश करिए, और कमेंट बॉक्स में जो भी सही और गलत आपका आंसर आ रहे दीजिए, ताकि आज सीखने का मौका है आपके पास में, ठीक है, आज आपको सीखने का मौका है। अगर आज गलत होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये चीज आपने देखो, टारगेट यही रखा है कि अपने पास में लिमिटेड टाइम है, इसमें अपना जितना भी 2019 का सारी चीजें, सारे टॉपिक कवर करने हैं, तो थोड़ा इसलिए स्पीड में रखे हैं, बाकी ऐसी बात नहीं, आपको स्लो स्लो सुबह आपको करंट अफेयर करवाते, संडे को आपको करंट अफेयर का लाइव टेस्ट भी लेके आता हूं, तो आपको करंट अफेयर का 1% भी नहीं छूटेगा, विश्वास रखिए, आपका करंट अफेयर वाकई में बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर किया जाएगा। अब आज नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन पिकॉक अवार्ड फॉर सस्टेनेबिलिटी 2019 पुरस्कार किस संगठन को दिया गया, एक ऐसा संगठन जिसको गोल्डन पिकॉक अवार्ड फॉर सस्टेनेबिलिटी 2019 दिया गया है, तो उस संगठन का नाम अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ताकि हमें भी पता चले कि कौन कौन से मेरे भाई बंधुओं को अपने मिशन, अपने माता पिता का सपना साकार करने के लिए दिन रात से मेहनत कर रहे हैं, दिन रात के लिए। भाई अगर रात को अगर सोते सोते अगर रिविजन करके सो रहे हो, तो इसमें कोई गलत बात है क्या? नहीं है ना, तो इसलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, कौन से संगठन को यह पुरस्कार दिया गया है, तो यहां पे हो जाएगा एनटीपीसी, ये आपके वो ससुराल वाला एनटीपीसी नहीं है, यह है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो यहां पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 33 का डी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 33 का डी ऑप्शन, गोल्डन पिकॉक अवार्ड फॉर सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार दिया गया है किसको, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को, एनटीपीसी को। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 34, मात्र 6 क्वेश्चन बचे अपना नया चैप्टर स्टार्ट होने पे, जो कौन सा स्पोर्ट्स का नया चैप्टर स्टार्ट होने में 6 क्वेश्चन है, तो जितने भी साथी एक बार दबा के शेयर कर दीजिए, दिल से साथ दीजिए, सपोर्ट करिए, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो क्लास को लाइक करके बताइए कि हाँ सर हमें पसंद आ रहा है, और मेहनत करिए हमारे लिए और अच्छी अच्छी चीजें लेके आइए, और ऐसा इतना अच्छा करंट अफेयर करवा दीजिए कि अगर जिस दिन पेपर में बैठे तो लोग ये पूछे कि भाई करंट अफेयर में कितने सही हुए हैं, कितने सही हुए हैं, तो 100/100 बोल कि का हक हो आपको। अब आज क्वेश्चन नंबर 34 हो गया अपना, ठीक है, तो ये देखो, पीपल फॉर द एथलेटिक ट्रीटमेंट, एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एनिमल्स है, पीटा जिसका नाम बोल जाता है, पीटा का फुल फॉर्म आपने देख लिया, याद रखना पीटा की फुल फॉर्म कई बार पूछ लेता है टीसीएस, ठीक है, क्या है, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एनिमल, एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एनिमल, ये बात हो गया। अब इसमें देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कि रूप में किसे 2019 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर से नामित किया गया है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन ऑफ द पर्सन ऑफ द ईयर, पीटा ने किसको पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है, विराट कोहली को, विराट कोहली को चुना गया है, विराट कोहली को। अब आप कहोगे सर विराट कोहली ने ऐसा क्या काम किया जो कि इनको ये पुरस्कार दिया गया है, इन्होंने क्या किया था, एक मालती नाम की हाथीनी थी जिसको अजमेर में, अजमेर किले में रखते थे,
अजमेर किले में उसको रखते थे, जिसके लिए, किसके लिए, टूरिस्टों के लिए। तो इसके साथ में अत्याचार होते थे भाई, उसके साथ में मतलब क्या है कि इसको मालती नाम की हथिनी को छुड़ाने के लिए अधिकारियों को लेटर लिखा था किसने, विराट कोहली ने। उसके बाद उसको फ्री आजाद किया गया था मालती नाम की हथिनी को, इसलिए पीटा ने इनको यह अवार्ड दिया गया ताकि पब्लिक में एक मैसेज जाए कि भाई जानवर जो भी होते वो भी एक जीव होते, उनके साथ में अत्याचार नहीं होना चाहिए। ठीक है, पीटा संस्था का काम ही यही है, ठीक है, कि जानवरों के साथ में अत्याचार ना हो, इनको भी उतना ही सम्मान दिया जाए जितना कि इंसान को दी जाए, उनको भी उतना ही जिंदगी बेहतरीन रखी जाए जितने कि इंसान की होती है। अब आजिए क्वेश्चन नंबर 34 के बाद में 35, मात्र 6 क्वेश्चन दूर है अपने किसके, स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट होने से। अब आजिए वर्ष 2019 में फॉर्च्यून बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर की सूची में किसे शामिल किया गया। फॉर्च्यून की बात आती है, टाइम की बात आती है, टाइम्स मैगजीन की बात आती है, तो वर्ल्ड की सबसे फेमस चीजें हैं ये, इनकी बात जो भी क्वेश्चन होते हैं सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको याद भी करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये किसको दिया गया, फॉर्च्यून बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर, बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर सत्य नडेला, जो कि भारतीय मूल के हैं और किसके, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। ठीक है, अब चलिए माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला, जिनको फॉर्च्यून में बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। ठीक है, टाइम्स ऑफ द पर्सन ऑफ द ईयर किनको, ग्रेटा थनबर्ग को चुना गया है, यह बात भी आपको ध्यान में होनी चाहिए, ग्रेटा थनबर्ग को चुना गया है, यह भी आपके ध्यान में होना चाहिए। अब आज क्वेश्चन नंबर 36, मात्र 4 क्वेश्चन दूर अपने स्पोर्ट्स से, अपन भाई बहुत कुछ सीखने को तैयार है आज रात को। नीदरलैंड के हेग में, नीदरलैंड के हेग में डच किड्स राइट्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2019, कौन सा प्राइज, चिल्ड्रेन पीस प्राइज 2019, ठीक है, सम्मानित किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 36 का, क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर दीजिए। तो मैंने पहले कहा था ग्रेटा थनबर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेटा थनबर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए। देखो इंटरनेशनल चिल्ड्रेन पीस प्राइज किसको दिया गया है, ग्रेटा थनबर्ग और दिव्या मलोम को, ग्रेटा थनबर्ग और दिव्या मलोम को दिया गया है। ठीक है, अब ये बाल शांति पुरस्कार 2000 अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार है, क्या है, बाल शांति पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय, जो कि नीदरलैंड हेग में दिया गया है, नीदरलैंड हेग में दिया गया है, किसको, ग्रेटा थनबर्ग, वही जिसकी बात अपन अभी कर रहे, टाइम्स मैगजीन ऑफ द, टाइम्स मैगजीन का टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर के नाम से आए थे। ठीक है, अब आजिए क्वेश्चन नंबर 37 पे, मात्र 3 क्वेश्चन दूर अपने स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन, जिन बच्चों की स्पोर्ट्स में रुचि है उनका राइट आंसर बहुत आएंगे वहां पे। दक्षिणी कोरिया के जेजू शहर में 11वें विश्व बॉडी बिल्डिंग और फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियन में 90 किलोग्राम वर्ग में मिस्टर यूनिवर्स, किसमें, 90 किलोग्राम में मिस्टर यूनिवर्स की बात हो रही है, जीतने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए, तो उससे भारतीय का नाम बताइए क्वेश्चन नंबर 37 का। तो यहाँ पे आ जाएगा चित्रेश नटराजन, ये अपने भारत के पूर्व हॉकी प्लेयर हैं। ठीक है, चित्रेश नटराजन, चित्रेश नटराजन ये भारत के पूर्व है, पूर्वी हॉकी प्लेयर हैं, हॉकी प्लेयर हैं, हॉकी प्लेयर हैं। ठीक है, भारत के पहले हॉकी खेला करते थे, भारत के लिए हॉकी पूर्व हॉकी प्लेयर है चित्रेश नंजन, ये दक्षिण अफ्रीका के, अभी क्या है कि 90 किलोग्राम में, 90 किलोग्राम में इन्होंने क्या है, मिस्टर यूनिवर्स 2019 के लिए चुना गया है, मिस्टर यूनिवर्स 2019 के लिए इनको चुना गया है। ठीक है, याद रखना चित्रेश नटसन को, चित्रेश नटसन को ये चुना गया है। अब आजिए क्वेश्चन नंबर 38 पे, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी किस शब्द को 2019 के लिए वर्ष शब्द घोषित किया गया, मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक डिक्शनरी चलती है, वो क्या करती है कि हर साल एक कुछ लिमिटेड वर्ड अपनी डिक्शनरी में ऐड करती है जिसको वर्ड ऑफ द ईयर के नाम से जाना जाता है। 2019 में किसको किसको चुना गया है, कौन से शब्द को चुना गया है, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए, तो मैं बता देता हूँ आपको इसका क्या होगा, क्लाइमेट इमरजेंसी, वही ग्रेटा थनबर्ग जिस पे काम करते हैं। ठीक है, जिनको टाइम्स मैगजीन वाली बात आई है, जिनको बाल शांति पुरस्कार दिया गया है हेग नीदरलैंड में, तो ये सारी चीज़ें याद है या नहीं है, याद हो रही होगी ना आपको, तो देखो सारी चीज़ें अपन रिलेट कर रहे हैं, भले ही अपन कुछ भी नया तरीके से पढ़ रहे हैं लेकिन एक चीज़ है ना सीखने का नया अंदाज है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्लाइमेट इमरजेंसी, क्लाइमेट इमरजेंसी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ऐड हुआ है, सबको याद हो गया।
ठीक है, सबको याद हो गया क्लाइमेट इमरजेंसी, सबको याद हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, उससे पहले मैं एक बात और बता दूं, अपना जो व्यास सम्मान किनको दिया गया था, सबको पता है व्यास सम्मान किनको दिया गया था, लीलाधर जूरी को, लीलाधरी जगूरी को दिया गया था, नसीरा शर्मा 2019 के लिए दिया गया है। ठीक है, ये भी अपने पहला रामविलास शर्मा को दिया गया था। यहाँ पे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वाला क्वेश्चन भी हो गया, मात्र दो क्वेश्चन अपने स्पोर्ट्स वाले, जिन दोस्तों की स्पोर्ट्स में रुचि है वहां पे 100% आंसर राइट आना चाहिए। ये देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हरदेश्वरी सिंह भाटी जिनके विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, कौन है हरदेश्वर भाटी जिनको विकलांग लोगों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय पुरस्कार दिया, अद्भुत क्रिएटिव चाइल्ड 2019 के लिए चुना गया। कौन सा अद्भुत क्रिएटिव चाइल्ड 2019 के लिए, तो किस राज्य से संबंधित रखते हैं, किस राज्य से संबंध रखते हैं, तो ये जयपुर राजस्थान, राजस्थान के जयपुर से इनका संबंध है। विकलांगों को सशक्तिकरण, हिम्मत देने, मतलब विकलांगों को सशक्तिकरण के लिए अद्भुत क्रिएटिव चाइल्ड अवार्ड दिया गया है, अद्भुत क्रिएटिव चाइल्ड अवार्ड दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा, भारतीय पत्रकार का नाम बताइए जिसने न्यूयॉर्क में प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की कमेटी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2019 जीता है। तो ध्यान से देखिए क्या लिखा है, भारतीय पत्रकार का नाम बताइए जिसने न्यूयॉर्क में ऑफ प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की कमेटी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2019 जीता है। राइट आंसर देने की कोशिश करिए, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे, चारों में से राइट आंसर दीजिए। जी डी ऑप्शन आ रहा है, गुजराती बॉय भी का डी ऑप्शन, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। आपके कमेंट देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या है, क्वेश्चन देखो ज्यादा क्वेश्चन करवाने का टारगेट रखा है, इसलिए थोड़ा कम आपके कमेंट पढ़े जा रहे हैं, लेकिन आपके प्रॉपर कमेंट सारे देखे जा रहे हैं, प्रॉपर सारे कमेंट देखे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 40 का क्या हो जाएगा, नेहा दीक्षित को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2019 जीता है, नेहा दीक्षित ने ये। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, नेहा दीक्षित यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पे है, जितना जल्दी हो सके राइट आंसर दीजिए। अब 41 नंबर कौन सा क्वेश्चन हो सकता है, स्पोर्ट्स वाले जितने भी साथी देख रहे हैं एक बार मन लगा, गुजराती मिस यू नेहा मैम जी, जी मेरे जितने भी साथी पे देख रहे हैं, विवेक कुमार, शिवा गुप्ता, अशोक यादव, दीपा चोटिया, गुजराती बोय, राय जगेश्वर, गुजराती जितने भी मेरे साथी हैं, पुष्पा जी, सभी साथियों को तहे दिल से स्वागत है कि आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं इस क्लास में। ठीक है, अब आ जाइए देखो स्पोर्ट्स का पहला क्वेश्चन। अरे भाई हिम्मत इतना जल्दी कैसे हार सकते हैं, अभी तो एक ही घंटा हुआ पढ़ाते हुए, हम भी तो जगे, अभी रात को पढ़ाएंगे, सुबह भी क्लास लेके आएंगे, दिन में भी लेके आएंगे, हिम्मत नहीं हारना। जब तक एग्जाम दे के सारा कंप्लीट काम नहीं हो जाएगा अपनी ओर से, तब तक तो यही जोश, इसी जोश के साथ में जितने भी साथी हैं कमेंट करिए, चाहे अपना नाम ही लिख के क्यों ना भेजिए, कमेंट करते रहिए, एक्टिव अपने दिमाग के, सारी चीजें चलती रहनी चाहिए, कोई भी सीएम, कोई भी गवर्नर, सारी चीजें रिपीट करते जाइए, ताकि मैं अगर आपका वो कमेंट देखूं तो मैं भी आपसे बोलूं कि भाई हाँ, ये यहाँ के सीएम कौन सा है, यहाँ के गवर्नर कौन सा है, ये सही है, वो सही है, तो ऐसे चलता रहना चाहिए कम्युनिकेशन। ठीक है, जीएस है, इसमें कोई लॉजिक नहीं होता किसी चीज का, अगर आपको कोई कहे कि जीएस में लॉजिक से पढ़ते हैं, लॉजिक बनाने पड़ते हैं कि भाई कौन सी तरीके से मुझे ज्यादा समय तक चीजें याद हो रही है, वही लॉजिक होता है इसमें। ठीक है, तो चलिए अब पहला क्वेश्चन करते हैं, स्पोर्ट्स का पहला क्वेश्चन। ठीक है, जितने भी हैं जोश के साथ में सभी का राइट आंसर आना चाहिए। पहला क्वेश्चन है आज का स्पोर्ट्स का पहला चैप्टर, अपना आज का दूसरा चैप्टर का पहला क्वेश्चन स्पोर्ट्स, किस देश की महिला टीम ने कोलंबो श्रीलंका में अमर्जिंग एशिया कप 2019 का खिताब जीता है, किसने श्रीलंका में, कौन सी देश ने जीता है, जल्दी आंसर दीजिए। ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश श्रीलंका भारत, जल्दी आंसर देने की कोशिश करिए। अमर्जिंग एशिया कप 2019 का खिताब जीता है, तो किसने जीता है, भारत ने यह खिताब जीता है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने डकवर्थ लुईस पद्धति के आधार पर श्रीलंका में
श्रीलंका को फाइनल में हराया, इसमें श्रीलंका को फाइनल में हराया डकवर्थ लुईस के आधार पे श्रीलंका में, और कौन जीता है, भारत जीता है, श्रीलंका को हराया, इतना याद रख लेना। किसमें, एशिया कप 2019 का खिताब, दे महिला टीम की बात है, महिला टीम एशिया कप 2019 का खिताब किसने जीता है, भारत ने हराया किसको है, श्रीलंका को। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन है, थोड़े फास्ट करेंगे, ठीक है, फास्ट करने की कोशिश करेंगे। रग्बी विश्व कप 2019 का नौवां संस्करण कहां आयोजित किया गया, रग्बी का नौवां संस्करण कहां पे आयोजित किया गया, आंसर आना चाहिए सभी का एक साथ, रग्बी खेल का, रग्बी विश्व कप 2019 का नौवां संस्करण कहां पे आयोजित किया गया, तो क्वेश्चन नंबर दो का राइट आंसर आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर दो का राइट आंसर, देखते हैं किनका राइट आंसर आता है, देखते हैं किनका राइट आंसर आता है यहां पे। जी तो यहां पे क्या हो जाएगा, रग्बी में, रग्बी विश्व कप 2019 कहां पे हुआ था, जापान में, जापान में। क्वेश्चन नंबर दो का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, जापान में रग्बी ऑप्शन हुआ था, रग्बी ऑप्शन कहां पे विश्व कप हुआ था, जापान में। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीन पे, क्वेश्चन नंबर तीन का राइट आंसर दीजिए जितना जल्दी हो सके, क्वेश्चन नंबर तीन का राइट आंसर, किस देश ने रग्बी विश्व कप 2019 का नौवां संस्करण जीता और इसकी तीसरी भी जीत है, मतलब रग्बी खेल का नौवां विश्व कप है और उसमें से तीन बार एक ही देश ने जीता है, कौन से देश ने जीता है, हुआ कहां पे था, जापान में, जीता किसने ये भी बता दीजिए साथ में, जीता किसने ये भी बता दीजिए, दक्षिणी अफ्रीका ने, क्वेश्चन नंबर तीन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिणी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका ने जीता है, हराया किसको है, हराया किसको है, इंग्लैंड को, इंग्लैंड को हराया, यहां पे इंग्लैंड को रग्बी में हराया, जापान में विश्व कप हुआ रग्बी का 2019 का नौवां संस्करण, और जिसमें से तीन बार साउथ अफ्रीका जीत सकी है, पहले दो बार जीती है, अब की बार 2019 में फिर साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड को हराया। महिला एशिया कप में किसने जीता है, भारत ने श्रीलंका को हराया। सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए स्टेप बाय स्टेप। इससे पहले मैंने क्या पूछा था, रग्बी का विश्व कप कहां पे हुआ था, जापान में, रग्बी का नौवां संस्करण विश्व कप कहां पे, जापान में। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर चार पे, राइट आंसर आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर चार का राइट आंसर आना चाहिए एक साथ में, स्पोर्ट्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में अपन इस चीज को करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर नौ का, क्वेश्चन नंबर चार का, 2019 में अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप कहां पे आयोजित हुई है, यहां पे देखो एक से बढ़कर एक विश्व कप की बात हो रही है, अगर विश्व कप है तो 100% वो इवेंट स्पोर्ट्स की सबसे इंपोर्टेंट इवेंट है और एग्जाम में आने का पूरा पूरा चांस है। यहां पे अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप कहां पे आयोजित की गई, जो कि तीसरे संस्करण था, तीसरा संस्करण था जिसका रेसलिंग का, कहां पे, कहां पे आयोजित की गई, क्वेश्चन नंबर चार का राइट आंसर आना चाहिए। भाई यहां पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहां पे, क्वेश्चन नंबर चार का राइट आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर चार का। तो यहां पे क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, बुडापेस्ट हंगरी में वर्ल्ड रेसलिंग अंडर 23 आयोजित हुआ है। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर चार का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर चार का थर्ड ऑप्शन, सबका एक साथ जवाब आना चाहिए, सबका राइट आंसर आना चाहिए बुडापेस्ट हंगरी। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बहुत से बच्चों का सी ऑप्शन आ रहा, मजा आ रहा है रात की इसमें क्लास को लेने का भी, ठीक है, आपको इसी जोश और जुनून के साथ में क्लास मिलेगी रोज। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर पांच का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर पांच का राइट आंसर जल्दी करिए, वर्ष 2019 के लिए अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियन वहां पे, ठीक है, विश्व कुश्ती चैंपियन में 61 किग्रा वर्ग के तहत फ्री स्टाइल स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता था। अगर बात हो रही है बुडापेस्ट में इवेंट हुआ है और उसमें रजत पदक किसने जीता है 61 किग्रा में, और वो कोई है तो भारतीय है तो इसका नाम अपने देश के लिए, अपने करंट अफेयर के लिए इंपोर्टेंट होता है, उसका करंट अफेयर में इंपोर्टेंट नाम आता है। तो जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर पांच का राइट आंसर। अरे भाई भास्कर पत्रिका, द हिंदू, कुछ तो पढ़ते होंगे जिसमें इनका नाम आया था, रजत पदक की बात है, दूसरे नंबर का पदक होता है। तो क्वेश्चन नंबर पांच का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रविंदर ने 61 किग्रा भार में, किसमें 61 किग्रा भार में कुश्ती वर्ग में
पुरुष की फ्री स्टाइल में, पुरुष की फ्री स्टाइल में रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। आप चलते हैं नेक्स्ट पर। अपने स्पोर्ट्स के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपन करने वाले, अंडर 23 किया है, महिला वर्ल्ड कप के बारे में किया अपन ने, तो सारे अपन इसी हिसाब से स्टेप बाय स्टेप सारे करने वाले, ठीक है। अब आज ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी आंसर दीजिए। पूजा गहलोत किस खेल से जुड़ी हुई है? पूजा गहलोत कौन से खेल से जुड़ी हुई है? पूजा गहलोत किस खेल से जुड़ी हुई है? राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आना चाहिए। पूजा गहलोत कौन से खेल से जुड़ी हुई है? टेनिस, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, कुश्ती, क्या इसका राइट आंसर होगा? सभी का राइट आंसर आ रहा है ए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर दे रहे हैं सभी, क्या ए? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन आ रहा है, कुश्ती आ रहा है। वेरी गुड भाई, पहला राइट आंसर किनका है? 6 नंबर में गुजराती बॉय का, उससे भी पहले भी आया हुआ है, कृष्णा प्रताप जी का भी, अंशु जी का, 6 में जगदीश लोधी जी का भी। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बहुत ही बेहतरीन। कुश्ती, पूजा गहलोत कौन से खेल से संबंधित है? कुश्ती। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। वेरी गुड भाई, बहुत ही बेहतरीन, मजा आ रहा है स्पोर्ट्स में, तो आप छक्के पे छक्का मारते जा रहे हैं। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, वाकई में मजे वाली बात है, मतलब आप सबके सब स्पोर्ट्स पर्सन है, कभी ना कभी तो कोई ना कोई टूर्नामेंट आपने खेला होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर दीजिए, सारे आ जाइए क्वेश्चन नंबर पे। वर्ष 2020 के लिए अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी करने के लिए कौन सा शहर, 2020 की बात हो रही है, किसमें? अंडर 23 विश्व कुश्ती, अभी कहां पे हुआ था? अभी आपसे अपनी बात हुई थी, ठीक है। अब आ जाइए कहां पे आयोजित होगा, 2020 की बात हो रही है, 2020 में, 2020 में कुश्ती चैंपियन वर्ल्ड चैंपियनशिप कहां पे होगा? भारत में होगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर 2020 में मार्च में कभी भी कोई भी एग्जाम होगा तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं भाई, तो इसलिए का राइट आंसर क्या होगा? 2023 में क्या पूछा गया, कौन सा शहर, अच्छा 2020 के लिए अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी करने के लिए कौन सा शहर निर्धारित किया गया, विश्व अंडर 23, तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे कुश्ती की बात हो रही है, तो सॉरी इसमें क्या आएगी, अपने थोड़ा सा मैं फीफा अंडरवर्ल्ड की बात सोच गया था यहाँ पे, किसकी? फीफा महिला विश्व कप की बात समझ गया था यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा? फिनलैंड, बी ऑप्शन होगा, टेम्परिन फिनलैंड बी। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन फिनलैंड में, फिनलैंड में, थोड़ा सा गलती से मिस्टेक हो गया था, फीफा महिला विश्व कप की बात थोड़ा सा मैं दिमाग में आ गई थी, उसका आंसर दे गया था 2020 में, तो उसका राइट आंसर दे दिया था मैंने 2020 में, वो भी होगा भारत में होगा, इसलिए वो क्या है कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है उसी का, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है फीफा अंडर 17 विश्व कप 2020 की मेजबानी किस करने का, कौन सा देश तैयार है, तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया था 2020 भारत में, वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था उसमें, तो ये अपना यहाँ पे कवर हो करते हैं इसको, क्या हो गया? चीन, न्यूजीलैंड, रूस और भारत, तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत, विश्व फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2020 की मेजबानी करेगा, विश्व महिला कप 2020 फीफा अंडर 17 की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का अपना क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन यहां पे हो जाएगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था? इससे पहले अंडर 23 कुश्ती का विश्व कप था, अंडर 23 का कुश्ती का विश्व कप था, जो कि फिनलैंड में होगा, और यहां पे कौन सा होगा? फीफा वाला, फीफा अंडर 17 2020 कहां पे होगा? भारत में होगा। इतना याद हो गया, सारे टूर्नामेंट इंपॉर्टेंट है, आएंगे भाई, सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे, किसी न किसी सेट में आपको देखने को मिलेगा। अब अजय क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, राइट आंसर देने की कोशिश करिए, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर देने की बात करिए। 4 नवंबर 2019 को जारी हुई एटीपी, एटीपी क्या होती है? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल रैंक होती है ये, रैंक 2019 में शीर्ष पर कौन रहा? तो शीर्ष में फिर से एक बार 8वीं बार राफेल नडाल आगे, जो कि नोवाक जोकोविक को एक स्टेप पीछे किसका दिया? पहले वन स्थान पे नोवाक जोकोविक थे, जिसकी जगह अब कौन आ गया? राफेल नडाल 8वीं बार आए हैं एटीपी में
वर्ल्ड फर्स्ट रैंक पे, एटीपी में रैंक फर्स्ट पे पहली बार, आठवीं बार आए रफाल नडाल, ठीक है, पहले स्थान पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पे। जितने भी मेरे साथी देख रहे हैं, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार दिल से क्लास को शेयर कर दीजिए, एक बार क्लास को दिल से शेयर कर दीजिए, बहुत कुछ सीखने वाले हैं, वाकई में ये क्लास उम्दा होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 10 का, किस देश में लुईस कार्ल डेविडसन हैमिल्टन ने छठवीं F1 विश्व चैंपियन का खिताब जीता और F1 इतिहास में दूसरा सबसे सफल ड्राइवर बन गए हैं? दूसरा कौन, लुईस कार्ल डेविडसन और डेविडसन हैमिल्टन की बात हो रही है, जो कि अपने इतिहास में F1 फॉर्मूला रेस के इतिहास में दूसरे सबसे सफल ड्राइवर, सबसे ज्यादा रेस जीतने वाले बन गए हैं। तो कौन है, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, ब्रिटेन और जर्मनी, तो सबसे सफल ड्राइवर बन गए हैं। तो कौन से देश से बिलोंग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होना चाहिए। तो ये कहां के हैं, ब्रिटेन के। हैमिल्टन कहां के हैं, ब्रिटेन के। अब आगे ये दूसरे सबसे इतिहास में सक्सेसफुल है, तो पहले भी तो कोई होंगे, पहले होते माइकल शूमाकर। जब अपन छोटे बच्चे थे, जब अपने कॉपियां मिलते थे तो उनपे एक रेसर इंसान की बाइक, बड़ी वाली कार के साथ में फोटो आया करती थी, माइकल शूमाकर, माइकल शूमाकर। आज भी कोई बच्चे जब बाइक तेज चलाते हैं तो सब कहते हैं ये तो माइकल है साहब, है जी ये तो माइकल है। तो ये बातें है ना, तो माइकल शूमाकर अपनी जिंदगी की सबसे ज्यादा रेस है, उन्होंने करीबन 90% अपनी जिंदगी की रेस जीती थी, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 11 नंबर। किस देश की महिला क्रिकेटर एमी जोहन केनिया ने हाल ही में सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? कौन से देश की महिला क्रिकेटर है जिन्होंने सेवानिवृत्ति की घोषणा, रिटायर्ड हो गई है एमी जोहान, जो कि रिटायर हो गया, कौन से देश की है? तो वह है आयरलैंड की, वह है आयरलैंड की। क्वेश्चन नंबर 11 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार आपके आंखों के सामने से होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 वाकई में अच्छा क्वेश्चन है। दो बार ओलंपिक चैंपियन निकोल्स एंड क्या है एडम्स ने, निकोला एडम्स ने हाल ही में रिटायरमेंट लिया है, निकोला एडम्स ने हाल ही में रिटायरमेंट लिया है, वह किस खेल से जुड़ी हुई थी? यहां पूछा गया, वाकई में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, स्पोर्ट्स का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है 12 का। निको क्या नाम है, निकोला एडम्स, निकोला एडम्स की बात हो रही है, निकोला एडम्स की बात हो रही है, जो कौन से खेल से संबंध रखते थे, जिन्होंने रिटायरमेंट लिया है, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, कुश्ती, पावर लिफ्टिंग। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर दीजिए, 12 का राइट आंसर दीजिए, 12 का राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बॉक्सिंग के। इन्होंने लंदन ओलंपिक्स और रियो, ठीक है, लंदन ओलंपिक्स और कहाँ का, ब्राजील का रियो ओलंपिक्स कहाँ पे हुआ था, ब्राजील। ये दोनों ओलंपिक्स में एक के बाद एक हुए थे, दोनों में गोल्ड जीता था, गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है, याद रखना, लंदन में और ब्राजील के रियो ओलंपिक्स में दोनों में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। किसने, इनका नाम क्या था, निकोला एडम्स ने, जो कि बॉक्सिंग से, अपने देश की सबसे अच्छी बॉक्सर कौन है, मेरी कॉम, किसके, BSNL की ब्रांड एम्बेसडर है, दूसरा ट्राइब्स एरिया की भी ब्रांड एम्बेसडर मेरी कॉम है, याद रखना इस चीज को। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 13 पे, राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियन 2019 का 35वां संस्करण कहां पे आयोजित किया गया? क्वेश्चन नंबर 13 राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 का 35वां संस्करण कहां पे आयोजित किया गया? जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात हो रही है। तो जितने भी साथी एक बार देख रहे हैं सभी शेयर कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर कहाँ पे आयोजित किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, गुटूर, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा गुटूर आंध्र प्रदेश। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर गुटूर आंध्र प्रदेश। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, जी महेश्वरी हाल में खबरों में थी, वह किस खेल से जुड़ी हुई है? जल्दी बताइए, जी महेश्वरी हाल ही में खबरों में है, कौन से खेल से जुड़ी हुई है? चलिए जितना जल्दी हो सके राइट आंसर दिए।
जी महेश्वरी हाल ही में खबरों में थी, वह किस खेल से जुड़ी है? लंबी कूद, शॉर्ट पुट या 3000 मीटर स्टीपल चेस या 100 मीटर की दौड़ में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन, 3000 मीटर स्टीपल चेस से इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड ऑप्शन। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। 15 वाकई में क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट है। कौन सा देश 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करने वाला है? 4 बार मेजबानी करने वाला, रिकॉर्ड भी बनेगा, वाकई में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा देश 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के लिए पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करने के लिए तैयार है? 4 चौथी बार मेजबानी करेगा, तो यहां पे हो जाएगा राइट आंसर भारत। भारत अंडर 17 भी है, फीफा वाली बात वो भी भारत करेगा, अंडर 23 कौन करेगा? अंडर 23 अभी तो मैंने आपको बताया था, अगर आप कमेंट करके बताइए, जल्दी बताइए, अंडर 23 फिनलैंड की बात थी ना। तो चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। शिखर धवन के बाद 50 ओवर के प्रारूप में 2000 रन बनाने वाले सबसे तेज भारतीय का नाम बताइए। सबसे तेज शिखर धवन ने के बाद कौन से फॉर्मेट में, 50 ओवर के फॉर्मेट में, ओडीआई फॉर्मेट में सबसे जल्दी फास्ट 2000 बनाने वाले क्रिकेटर का नाम बताइए। स्मृति मंधाना, महेंद्र सिंह धोनी, हनप्रीत कौर, रोहित शर्मा, 2 महिला प्लेयर हैं 2 पुरुष प्लेयर हैं। शिखर धवन के बाद किसने किया था? स्मृति मंधाना ने, जिन्होंने 51 मैच में 2000 रन बनाए। दूसरा है शिखर धवन ने 48 मैच में, ठीक है, 2000 रन बनाए। ये किसने था? शिखर धवन की बात है, शिखर धवन की बात है। ये है स्मृति मंधाना की बात है, ठीक है, इतना याद रखना। 51 और 48, पहले स्थान पे शिखर धवन, दूसरे स्थान पे स्मृति मंधाना, जिसने 2000 रन सबसे फास्ट प्रारूप में बनाए हैं, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा महिला अंडर 17 फुटबॉल टीम के भारतीय मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? महिला मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जितना जल्दी हो सके राइट आंसर देने की कोशिश करिए, जितना जल्दी हो सके राइट आंसर देने की कोशिश करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर, चलिए जल्दी करिए, आपके लिए कुछ अच्छी चीज निकाल के लेके आता हूँ। देखो आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा, अपन आज 18 क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी स्पोर्ट्स में और भी क्वेश्चन करने वाले हैं अपन, ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके राइट आंसर दीजिए। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा महिला अंडर 17 फुटबॉल टीम के भारतीय कोच मुख्य रूप से किसे नियुक्त किया गया? तो सीधा सीधा क्या पूछना चाह रहे हैं, अंडर 17 फुटबॉल टीम का भारतीय कोच किसे नियुक्त किया गया? तो अब तक तो राइट आंसर आ जाना चाहिए मेरे भाइयों का, जितने भी साथी देख रहे हैं, एक बार अगर क्लास पसंद आ रही है तो मन लगा के एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि आपकी बात हम तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 18 की बात हो रही है, इसमें क्या होगा? टोनी गुस्तावसन, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर दीजिए। यहां पे क्या हो जाएगा? थॉमस डेनन रबी, यहां पे क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन, 18 में थर्ड ऑप्शन, थॉमस डेनन रबी को भारतीय फुटबॉल टीम का क्या बनाया गया? कोच, कौन से? अंडर 17 फुटबॉल टीम का कोच बनाया गया, उनको भारतीय फुटबॉल टीम का कोच बनाया गया है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पे, अंडर 17 का वो हो गया, थॉमस डेनन रवि को अंडर 17 का कोच बनाया गया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर दीजिए। उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने भारत बनाम बांग्लादेश सीरीज के दौरान T20 क्रिकेट में एक भारतीय कप्तान द्वारा सर्वाधिक छक्के लगाने के महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पहले क्या भारतीय कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी के रूप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड था जो कि टूट गया?
किसने तोड़ा है? रोहित शर्मा ने। सबने देखा होगा रोहित शर्मा ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया था। सबसे ज्यादा छक्के लगाए थे बांग्लादेश सीरीज में, बांग्लादेश सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के लगाए थे। सबको याद होगा, जितने भी मेरे भाई बंधु देख रहे सभी को याद होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोहित शर्मा, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। सबसे कम प्रारूप T20 में हैट्रिक विकेट लेने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन बने? सबसे कम प्रारूप में हैट्रिक विकेट लेने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन बने? भारतीय क्रिकेटर की बात चल रही है। खलील अहमद, कुणाल पांड्या, नवदीप सैनी, दीपक चार। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर दीजिए। जितने भी मेरे साथी देख रहे हैं सभी एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। क्लास में अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं अपने, बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं अपन, ठीक है? अपन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। जितने भी साथी एक बार, अब अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक करिए और अपने अच्छे अच्छे कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लग रही है। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीपक चाहर। दीपक चाहर को हैट्रिक विकेट लेने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का डी ऑप्शन, दीपक चाहर। दीपक चाहर है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दीपक चाहर राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है? डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 21 पे बात करते हैं। तो सुमित नागल हाल में खबरों में थे। सुमित नागल कौन से खेल से संबंधित हैं? सुमित नागल हाल में खबरों में थे, वह किस खेल से जुड़े हुए हैं? सुमित नागल की बात हो रही है, टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, कौन से खेल से जुड़े हैं? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर, सुमित नागल हाल ही में खबरों में थे, वह किस खेल से जुड़े हैं? टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं कौन से भाई का आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 का ए ऑप्शन आ रहा है। वेरी गुड भाई, गुजराती बॉय। वाकई में अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपकी कामयाबी आपके कदमों में होगी, एक दिन आपके कामयाबी आपकी 100% आपको मिलेगी मेरे भाइयों। तो क्वेश्चन नंबर, सुमित नागल हाल में खबरों में थे, किस खेल से जुड़े हुए थे? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर, तो टेनिस। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। सभी का राइट आंसर आ रहा है, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। वाकई में मेहनत करने वाले बच्चे हैं, प्राउड फील होता है। पीएल मैम का सपना है हर घर से अफसर। वाकई में अगर ऐसे मेहनत करते रहे तो वाकई में मैम का वो दिन दूर नहीं है जिस दिन सपना साकार होगा, हर एक बच्चे का सिलेक्शन होगा 100%, ठीक है? भगवान मेहनत, इतनी मेहनत करेंगे कि छीन के अपना जॉब लेंगे, छीन के अपना सिलेक्शन लेंगे, ठीक है? भीख में नहीं लेने वाले, ठीक है? अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22 पे अपना क्वेश्चन, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन सारे करेंगे अपन, कोई भी क्वेश्चन अपन छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन अपन छोड़ने वाले नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे, राइट आंसर दीजिए। जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी का राइट आंसर आना चाहिए, मजा आएगा उस चीज में, ठीक है? फुजो चाइना ओपन 2019 में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता है? फुंजो चाइना ओपन 2019 में पुरुष का खिताब किसने जीता है? तो जल्दी बताइए। तो मैं एक आपको बता देता हूँ, ये फुंजो चाइना ओपन 2019 किससे रिलेटेड है? ये बैडमिंटन से रिलेटेड है, बैडमिंटन से रिलेटेड है, ये आपको मैं बता दिया। अब आप राइट आंसर दीजिए, अब आप राइट आंसर दीजिए इसका, अब आप इसका राइट आंसर दीजिए। पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता था? पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता था? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, केंटो मोमेंटो, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 का डी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर बी का केंटो। याद रखना ये नाम विनर था, ठीक है? केंटो मोमेंटो विनर थी, ठीक है? सेकेंड नंबर पे चो तियान चो, ये इनको हराया था, केंटो मोमेंटो ने जीता था ये बैडमिंटन, कौन सा? फुंजो चाइना ओपन, फुंजो चाइना ओपन, ठीक है? केंटो मोमेंटो सबको पता है, बहुत फेमस नाम है, जापान के हैं, ये चीन के हैं, चो तियान चो ये तीन के चाइना के हैं, ठीक है? अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जितने भी साथी देख रहे हैं जल्दी से आंसर दीजिए। किस देश की पुरुष युगल जोड़ी मार्क्स फर्नांडे गिदोन एंड केविन संजय सुकामुल्जो ने फुंजो चाइना ओपन 2014 में चौथे पुरुष युगल जीतकर इतिहास रचा है। मतलब उसी का पुरुष मिक्स की बात हो रही है, मिक्स की बात हो रही है, तो जल्दी आंसर दीजिए। दक्षिणी कोरिया, ठीक है, दक्षिणी कोरिया या इंडोनेशिया, जापान या चीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने लिए? इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर इंडोनेशिया। ठीक है, अब राइट आंसर किसका क्या हो जाएगा, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भारतीय शामिल नहीं है तो इतना पूछा नहीं जाता मैक्सिमम। या तो उस टूर्नामेंट के विनर सिंगल विनर हो उसका नाम, या फिर जैसे बैडमिंटन में तो वैसे भी है ना कुछ, बैडमिंटन विश्व बैडमिंटन हुआ है टूर्नामेंट उसके बारे में पूछ सकते हैं, या टेनिस के चारों टूर्नामेंट यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, सारे आपको याद होने चाहिए, ऑस्ट्रेलिया ओपन, ठीक है, उनके कौन से ग्राउंड में खेले जाते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, टीसीएस उनको ज्यादा इंपॉर्टेंट देता है। ठीक है, अब आजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्या है जल्दी आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कौन सा देश क्या है कि मैच फिक्सिंग में, कौन सा देश मैच फिक्सिंग के मामले को अपराध की श्रेणी में लाने वाला पहला दक्षिणी एशियाई देश बन गया है, क्योंकि इसकी संसद ने खेल से संबंधित अपराधों को रोक के संबंधित विधेयक पारित किया है। अच्छा, अपन से क्या पूछना चाह रहा है कि मैच फिक्सिंग को एक क्राइम घोषित कर दिया गया, कौन सी देश की संसद ने? तो यहाँ पे भूटान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से राइट आंसर दीजिए। तो यहाँ पे देखो, कुछ समय पहले बहुत अच्छी टीमें हुआ करती थी, जैसे जयसूर्यवर्धन हो गई, ठीक है, मलिंगा से पहले के टाइम की बातें, ये टीम श्रीलंका की टीम बहुत तगड़ी टीम हुआ करती थी, जिस पे पाकिस्तान के समय एक मैच के दौरान जिस पे आतंकवादी हमला भी हो गया था, पाकिस्तान खेलने गए हुए थे श्रीलंकन खिलाड़ी, ठीक है, महिला जयवर्धने थे, ठीक है, शंकरकारा थे, सब बहुत अच्छी टीम हुआ करती थी, लेकिन ये क्राइम करप्शन की वजह से ये लोग पीछे हटते गए और उनकी देश की टीम आज इतनी बुरी हालत में है कि इनके जो फीस है बोर्ड इनकी तनख्वाह नहीं दे पा रही, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया कि मैच फिक्सिंग को एक क्राइम घोषित कर दिया गया यहाँ की संसद ने, ठीक है, तो कहाँ की? श्रीलंका की टीम ने, श्रीलंका देश की संसद ने अगर मैच फिक्सिंग होगा तो वो क्राइम होगा, एक विधेयक पास किया गया, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहे हैं आपसे, नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद वनडे इंटरनेशनल बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पे है? तो कौन शीर्ष पे है जल्दी बताइए, कौन शीर्ष पे है जल्दी बताइए, कौन शीर्ष पे है जल्दी बताइए। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कौन शीर्ष पे है। आपसे पूछा गया नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद वनडे इंटरनेशनल बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पे है? तो इसका राइट आंसर बाबर आजम, विराट कोहली, रोहित शर्मा, एमएस धोनी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी आंसर दीजिए, कौन शीर्ष पे है? अब तक तो राइट आंसर आ जाना चाहिए था सबका, तो भाई सारे के सारे यही आंसर दे रहे होंगे, भाई कहीं पे भी अगर विराट कोहली से कंपैरिजन हो जाए तो विराट कोहली टॉप में करेंगे। अरे वो तो पिटा वाले में भी कर गए, ठीक है, पिटा वाले में भी टॉप कर गए थे, ठीक है। अब अगर यहाँ पे राइट आंसर हो गया विराट कोहली, बी ऑप्शन। चलिए, आज के अपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये तो थे, अब मैं आपको फटाफट से कुछ क्वेश्चंस ये मैं आप देखो आज अपने किए स्पोर्ट्स से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अब हैं, जो कल क्वेश्चन बुक्स के नाम थे वो रिवाइज करते हैं, कल अपन बुक्स के नाम थे वो रिवाइज करते हैं, सारे स्टेप बाय स्टेप कोशिश करना आप नाम याद करने की, और सभी का कमेंट आना चाहिए तभी तो माना जाएगा कि आपने कल वाली सारी किताबों के नाम आपने याद कर रखे हैं, ठीक है, सारी किताबों के। मैंने एक नाम लिखा है मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री, मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री नाम लिखा है, किनके उपन्यास था ये, इसका राइट आंसर बताइए, मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री, सबका राइट आंसर आना चाहिए, किंग कोहली आ रहा है इस हिसाब से, मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री किनका था, तो सुदीप सेन, सुनते जाना सुदीप सेन, मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री किनका था, सुदीप सेन, देखते हैं किन किन का राइट आंसर आता है जी। बस पांच मिनट और, द फर्स्ट सिख से रिलेटेड एक बुक थी, आप बताइए द फर्स्ट सिख, जल्दी बताइए अगर आपको नाम है।
The first ship, the life and legacy of Guru Nanak. Guru Nanak पे एक बुक लिखी हुई थी, तो निक्की गुरुविंदर कौर सिंह, ठीक है। गुरु नानक बुक नाम किसने लिखी थी? भाई जोत सिंह ने। भाई जोत सिंह ने गुरु नानक बुक, गुरु नानक वाणी किसने लिखी थी? भाई जोत सिंह ने। द फर्स्ट सिख द लाइफ ऑफ लिगेसी, ठीक है। गुरु नानक किसने लिखी थी? आपको पता होना चाहिए, निक्की गुरु गुरु गुणिंदर कौर सिंह ने, निक्की गुणिंदर कौर सिंह ने, ठीक है। इतना हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखो, मैंने आज है ना आपको तीन बुकों के फिर से आपको नाम याद करवाए थे, मैजिक, ठीक है। कल अपन है ना फिर से कुछ टॉपिक और लेके आएंगे। जितने भी आपके साथी हैं सभी जगह एक बार जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, जहां पे आपके फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप है। मैं आपसे वादा करता हूं आपको 7 दिन में आपका कॉन्फिडेंस डबल ना हो जाए तो आप मुझे बता देना, ठीक है। तो जितने भी साथी इस क्लास को देख रहे हैं एक बार शेयर कर दीजिए जाते जाते, ताकि और बच्चे भी देख ले।